हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कांग्रेस पार्षद समेत जुआ खेलते 10 गिरफ्तार। राजकीय महाविद्यालय के सामने शहर पुलिस ने की कार्रवाई। दांव पर लगाए गए 1,10,260 रुपए बरामद। शहर पुलिस ने जुए के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। केसरगंज में राजकीय महाविद्यालय के सामने जुआ खेलते कांग्रेस पार्षद समेत 10 युवकों को गिरफ्तार किया, साथ ही दांव पर लगाए गए 1,10,260 रुपए बरामद किए। एसपी हेमंत अभिलाष के निर्देशानुसार कोरोना महामारी की श्रृंखला को रोकने के लिए व आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत अधिक से अधिक कार्रवाई को विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत एएसपी मिलन कुमार व डीएसपी प्रवीण कुमार के सुपरविजन व शहर थाना अधिकारी ओम प्रकाश के नेतृत्व में थाना स्तर पर पुलिस दल गठित किया गया, जिसमें उप निरीक्षक गनी मोहम्मद, हेड कांस्टेबल वीरेंद्र सिंह, सुल्तान सिंह, कांस्टेबल वजाराम, सुखदेव व सकाराम को शामिल किया गया। थाना अधिकारी को मुखबिर से सूचना मिली कि केसरगंज धर्मशाला में कुछ लोग जुआ पत्ते खेल रहे हैं। इस पर पुलिस दल के साथ केसरगंज धर्मशाला पहुंचे, जहां पर सार्वजनिक स्थान पर 10 लोग गोल घेरे में बैठकर ताश के पत्तों पर रुपए का दाव लगाकर जुआ खेलते पाए गए। पुलिस ने जुआ खेल रहे केसरगंज निवासी कांग्रेस पार्षद कैलाश पुत्र खेमराज माली, केसरगंज निवासी अमजद खान पुत्र साधुला खान, केसरगंज निवासी बलदेव पुत्र बच्चूलाल मोची, मुंखला निवासी सुरेश पुत्र बूरा माली, जूनी खराड़ी निवासी राजाराम पुत्र बाबूलाल माली, चंडेला निवासी भूरा राम पुत्र निम्बाराम रेवारी, केसरगंज निवासी इरफान पुत्र मोबीन खान, सदर बाजार निवासी चेतन पुत्र राजकुमार अग्रवाल, केसरगंज निवासी शंभूलाल पुत्र भवानी सिंह लोधा, केसरगंज निवासी एजाज खान पुत्र इकबाल खान को गिरफ्तार किया। दांव पर लगाए गए 1,10,260 रुपए व जुआ सामग्री बरामद की। कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन। पुलिस के अनुसार आरोपियों द्वारा कोरोना महामारी के चलते राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का उल्लंघन करने व कांग्रेस महामारी के संक्रमण को बढ़ाने पर धारा 188, 269 भा 10, 51 आपदा प्रबंधन अधिनियम व 13 RPGO में मामला दर्ज किया। एक साथ की अनुसंधान शुरू किया गया। जागरूक टीवी की अबरोड से खास रिपोर्ट।